जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रंगबाज में। दोस्तों आज आपको दिखाएंगे कि मक्की की रोटी कैसे बनती है और कैसे गोल किया जाता है इनको हाथों पे। ये देखो आप देख सकते हो ये मक्की की रोटी बन रही है और बनेगी भी चूल्हे पे, तो मतलब कि मज़ा दुगना आने वाला है जी, दुगना। इन्होंने पहले आटा लिया है, उसको हाथों में दबा दबा कर बड़ा कर दिया, और ये जितना भी बड़ा हो उतना अच्छा है, क्योंकि रोटी उतनी पतली बनेगी। जब रोटी उतनी पतली बनेगी और उतनी अच्छी बनेगी फिर ऐसा है। ये देख सकते हो आप, एक रोटी सिक रही है और दूसरी बना रहे हैं और मज़ा ही आने वाला है। यहाँ देखो जिसमें आटा गूंदते हैं तो वो भी लकड़ी की है, जिसे हम कुछ लोग परात बोलते हैं, कुछ लोग त्रांबड़ बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप। ये देखो इसको घुमा घुमा कर बड़ा किया जा रहा है और मज़ा आने वाला है इसको खाने में अक्सर। ये देखो आग थोड़ी कम कर दी गई है क्योंकि जल ना जाए रोटी। ये बनाया हमने जूस, मौसम्मी का जूस। ये देखो ये भाई साहब रोटी और बड़ी हो रही है, मज़ा ही मज़ा है। आप लोग भी घर पे ट्राई कर सकते हैं ऐसी रोटी बनाने को, क्योंकि मैंने मैक्सिमम जगह में रोटी खाई है तो वो थोड़ी मोटी होती है, वो खाने का मज़ा नहीं आता मुझे, क्योंकि वो बेसिक कच्ची रह जाती है। ये देखो ये पतली सी बिल्कुल। अब इसको चूल्हे में डालिए और यहाँ सेकेंगे इसको अच्छे से, ये पकेगी उसके बाद खाने का मज़ा आएगा। ये देखो रोटियाँ बन के ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी बाद में बनी थी, ये लास्ट रोटी रख दी है। अभी आपको दिखाएंगे एक और चीज़, ये देखो इसे कहते हैं लंगरी, और इस पे हम अभी तक भी ऐसे ही करते हैं, जो मिर्ची है वो इसमें डालकर कूटते हैं और फिर हम खाने में डालते हैं। जैसे आप लोग पैकेट की लाते होंगे मार्केट से, हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग घर की मिर्ची होती है इसको लंगरी में डाल कर पीस कर फिर हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी खाने में। ये देखो ये तो मैक्सिमम सबके घर में हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम सबके घर में है, लेकिन आजकल चलो वो स्टील की चली हुई है छोटी छोटी, क्योंकि मिर्ची तो बाज़ार से मिल जाती है ग्राइंड हुई और बस उसमें अदरक कूटते हैं, लेकिन ये फिर हमारे गांव में फिर ऐसा ही है, मिर्ची भी अदरक भी लहसुन भी इसी में कूटते हैं और मज़े से खाने में डालते हैं। ये देखो रोटी का मज़ा।